तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करके और इस चीज को जान गए तो आपकी वीडियोस पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो वीडियोस पे एक दो व्यूज की प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाएगी। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहेंगे कि पहले अपनी वीडियोस के व्यूज तो बढ़ा लो, तो गाइस मैं नहीं कर सकता, मैं इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे चैनल का एल्गोरिदम गड़बड़ा गया है। और मेरे चैनल का एल्गोरिदम क्यों गड़बड़ा गया है वो मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा, बट अभी मैं बात करता हूँ कि जो सेटिंग है वो किस काम आने वाली है, यानी कि जो YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर है ना काफी अच्छा फीचर है। और मैं जानता हूँ आप लोग YT स्टूडियो एप्लीकेशन का यूज तो करते हैं, बट आप लोग किस लिए यूज करते हैं? आप लोग सिर्फ उसमें सब्सक्राइबर देखते हैं और उसमें व्यूज देखते हैं, इसलिए आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, बट बाकी आपको इससे कोई मतलब नहीं। जो इसमें सीक्रेट फीचर है उसको आप नहीं जान पाते हो। आप लोगों को किसी ने अभी तक सही से बताया ही नहीं है कि YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। और YouTube हमें खुद बताता है कि आप अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर जाकर और अपने चैनल के एल्गोरिदम को सही से समझो, इस पर आप काम करो आप, क्योंकि YT स्टूडियो एप्लीकेशन है ना वो YouTube ने हम जैसे छोटे क्रिएटर के लिए बनाई है, ताकि हम अपने चैनल पर जाकर इस चीज को समझ पाए कि हाँ मेरी जो ऑडियंस है वो हमसे क्या मांग रही है, मैं किस तरह की उनको वीडियो बना के दूं। तो चलिए फिर मैं आपको फटाफट बता ही देता हूँ, बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो सभी करते हैं यार, चैनल पर अगर नया होता ना चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो मैं सब कुछ आपको बारीकी से बताने वाला हूँ, मतलब आपको अपने चैनल के अंदर क्या चीज देखनी है, किस सेटिंग को आपको ऑन करना है। तो देखो गाइस आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अभी यहाँ पर बीच में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एनालिटिक्स, सिंपली क्या करना है आपको एनालिटिक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होता है, जहाँ पे आपको सबसे ऊपर देखने को मिलता है रिसर्च, इसके बाद आपको ओवरव्यू, इसके बाद आपको थर्ड नंबर पे देखने को मिलता है कंटेंट। कंटेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, कंटेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो इस तरह से बहुत सारे आपको यहाँ पर सीक्रेट फीचर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं सीक्रेट जिसको हम नहीं जान पाते हैं। तो आपको यहाँ पर व्यू वीडियोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है, ऑल है, वीडियोज है, शॉर्ट्स है, लाइव है, पोस्ट है, ये वाले फीचर जितने भी ऑप्शंस हैं ना ये सारे आपको शो करेंगे, बट आपको वीडियोस वाले पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वीडियोस पे क्लिक करोगे ना उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको व्यूज दिखेंगे, उसके बाद आपको टॉप वीडियोस दिखेंगी, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियोस। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये मतलब ये बताता है कि आपकी वीडियोस पे जो व्यूज आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद गाइस आपको सिंपली इस तरह से आपको ऐसे करके कर देना, ठीक है, इस तरह से आपको करते रहना। एंड देखो गाइस यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब सर्च टर्म्स, यही गाइस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना वो इसी पे काम करते हैं और उनके इसीलिए उनके चैनल पर अच्छे व्यूज आने स्टार्ट हो गए। अब गाइस मेरे क्यों नहीं आ रहे मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे जितने भी कीवर्ड सजेस्ट करेगा, देखो जितने भी यहाँ पर कीवर्ड सजेस्ट करेगा, अब गाइस आपका दिमाग घूम गया होगा इस चीज को देखने के बाद, आपका दिमाग घूम गया होगा कि मैं पहले इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। तो हाँ जो भी यूट्यूब सर्च टर्म में जो भी सजेस्ट करता है, जो भी मतलब कीवर्ड दिखाता है, आपको इसी पे ही काम करना है, आपको इसी कीवर्ड पे वीडियो बनाना है। और जो भी टाइटल यहाँ पे दिख रहा है ना आप एक टाइटल उठा लेना, उस पर वीडियो बना लेना, एंड उसी टाइटल को आपको डिस्क्रिप्शन में दे देना है और उसी टाइटल को आपको टैग्स में भी दे देना है। अब ये कीवर्ड काम कैसे करते हैं, क्यों इन कीवर्ड पे व्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं? देखो जो लोग आपकी वीडियो को सर्च करके आए हैं, यानी कि इन्हीं कीवर्ड को सर्च करके आपके चैनल पर वो लोग आए हैं, जब वो इस कीवर्ड को सर्च करके आपके चैनल पर आए हैं, तो जब आप इस कीवर्ड पे फिर से वीडियो बनाओगे ना तो यूट्यूब उनको रिकमेंड करेगा, जिन लोगों ने आपकी वीडियो को देख लिया है बट उन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, ठीक है, उन तक फिर से वीडियो को पहुंचाया जाएगा, यूट्यूब खुद भेजेगा उन तक वीडियो, और हो सकता है उनको वीडियो पसंद आ जाए और इस बार वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, तो इस तरह से सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं। तो इसी पे ही गाइस काम करना होता है, बट मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं आपको अब अपनी रियलिटी बताता हूँ। देखो गाइस आप यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पर मेरे कीवर्ड क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मेरे कीवर्ड दिखा रहा है ज्यादातर फ्री फायर के, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप पहले के मेरे सब्सक्राइबर हैं, काफी पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा मैं अपने चैनल पर क्या बनाता था, फ्री फायर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल, जिसमें मैं फ्री फायर की वीडियो एडिटिंग सिखाता था, एंड जितने भी कीवर्ड थे सारी वायरल वीडियो थी वो फ्री फायर की थी। अब जो लोग मेरे चैनल पर आए ना वो सर्च से आए हैं, तो उन्होंने फ्री फायर वीडियो एडिटिंग सर्च किया और मेरी वीडियो उन तक पहुंच गई, तो वो मेरे चैनल पर आ गए। तो अगर मैं फ्री फायर पर फिर से एडिटिंग पर कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो यूट्यूब उन तक ये वीडियो पहुंचा देगा, लेकिन जब मेरे पास कीवर्ड ही नहीं है, इसमें मेरे पास कीवर्ड इस तरह के दिख ही नहीं रहे यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स वाले, तो मैं इस पर काम क्या करूं। अब यहाँ पे दो तीन मेरी वीडियो वायरल हुई है यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स पे, तो वही कीवर्ड यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, मैं बार बार उस टॉपिक को वीडियो तो नहीं बना सकता ना, तो अब यही चीज मेरे साथ गड़बड़ हो गई है, मेरा जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना वो इसीलिए गड़बड़ हो गया है। तो आपके ये भी समझ में आ गया होगा। तो आप भी जाइए अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन में, इस सेटिंग को ओपन करिए और इस चीज को देखिए और इसी पर आप काम शुरू कर दीजिए, तो आपकी जो एक दो व्यूज की प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाएगी। बाकी आपको अगर अच्छा समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब